अरास। अच्छा अम्मा अब हम चलते हैं, आज घर जल्दी पहुंच के राहुल के पापा को चौंका देंगे। जी जी। राहुल के पापा तो उस टाइम चौंके थे जब पहली बार उन्होंने आपका घूंघट उठाया। नहीं नहीं देखे कि कितनी सुंदर दुल्हन है। सासू माँ आपके लिए गरम गरम दूध। नदी पे कूदने से जो ठंड आपके बॉडी और आपके दिमाग में हुआ ना, इससे वो दूर हो जाएगा। कंचन, हम कहे थे ना, बहू का टांग सच में टूटा है, वरना इतना गर्म दूध छलकने से अरे ये तो दोनों पैरों पे खड़े हो जाती है ना। ओए माँ, सासू माँ, ज्यादा गर्म तो नहीं है ना? नहीं सासू माँ, ज्यादा गर्म नहीं था। हमारा दिमाग बहुत ही गर्म है, ये तुम जानती हो। सुन लो, अच्छे से सुन लो, हमें वो डबिंग कर एक आंख नहीं बाती। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद जो है आपको, लेकिन ये बात तो आपको भी पता है सासू माँ कि टिंकल सोम को बहुत भाती है। तुम्हें भी पता होगा सोम ने क्या कहा था, दुल्हन भाई जुत्ता दी मन भाई। हमें हमारे बतौर के रूप में वो लड़की ट्विंकल कतई पसंद नहीं है। कौन पसंद नहीं है? क्या हुआ दादी, बताइए ना आपको कौन पसंद नहीं है? वो कहा है ना कि तुमने दादी कह रही थी कि उनको ना करेले की सब्जी पसंद नहीं है ना। मम्मी तुम हमको दूध पीता बच्चा समझती हो क्या कि हमको बहला लोगी? दादी बताइए ना क्या बात कर रही थी आप? भाभी आप ही का बोया हुआ बीज है, आप ही बताओ तो अच्छा लगेगा सोम को। ठीक है, तुमने दादी कह रही थी कि तुम्हारी पसंद उनको अच्छी नहीं लगती। यार मम्मी एक बात सीधे तरीके से भी कही जा सकती है, हर बार उसे घुमा फिरा के बोलने की जरूरत नहीं है। मम्मी तुम्हें हमारी कसम, सच बोलो, साफ बोलो, स्पष्ट बोलो। ठीक है, तो हम भी सच साफ और स्पष्ट बोलते हैं, तुम्हारी दादी को टिंकल पतोहू के रूप में स्वीकार नहीं है। काकई, काकई बहू, हमने जय तो नहीं कही। हम तो जय कहे कि अगर सोम को ट्विंकल पसंद है तो ठीक है, वरना हम तो उससे भी अच्छी लड़की ढूंढे हैं हमारे सोम के लिए। चुम्मन चाचा आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना, लीजिए पहले आप पानी पीजिए। शुक्रिया बेटा, मुबारक हो, तुम्हारी अम्मा ने बताया कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। जुम्मन भैया ये कुछ साड़ियां हैं, हाँ, इसका सलवार कमीज बनाना है। बहन जी हम दर्जी हैं, कबाड़ी नहीं। अरे लेकिन ये कबाड़ नहीं है, साड़ी है, इस साड़ी में से गोरख लिए अच्छा सा सलवार कमीज बन सकता है, हाँ बना दीजिए ना। अम्मा इसको तो चूहा कुतर गया है। अरे तो कहाँ हुआ, चूहा कुतर गया तभी तो सलवार कमीज बनवा रहे, नहीं तो दो चार साल और पहन लेते। बहन जी इस साड़ी से एक ही चीज बन सकती है, ये सलवार
ये कमीज। तो एक काम कीजिए, उसमें से कमीज बना दीजिए और इसमें से सलवार बना दीजिए। अम्मा, गुलाबी कमीज नीला सलवार अजीब ना ही लगेगा। अरे का अजीब लगेगा, नया फैशन हो जाएगा। अरे ऊपर गुलाबी नीचे नीला और दे देंगे एक दुपट्टा पीला। अरे ये कौन सा फैशन है बहन जी, बिटिया का ब्याह है, नया कपड़ा खरीद लो। ठीक तो कह रहे जुमन भाई, ऐसे कबाड़ में लपेट के भेजोगी क्या गौरा को? तो क्या करें, गौरा के बाप के पास खजाना नहीं ना है। वो साड़ी बताओ। ये वाला? हाँ अच्छी तो है, पहनाओ गौरा को। ये हम पहनेंगे? अच्छा तुम पहनोगी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि कल बाजार चलते हैं और गौरा के लिए नई साड़ी खरीदते हैं। सही है पंडित जी, नया कपड़ा खरीद लो। अच्छा हम चलते हैं। बाजार जाके नई साड़ी खरीद लेंगे, और पैसा कहाँ से आएगा? गौरा के ससुराल से जो पैसा आया है ना, वो गौरा पे ही खर्च करेंगे। ठीक है फिर, हमको भी नया साड़ी दिला देना, समझे? तेरी पसंद का लेना, ठीक है? मम्मी हम तुमसे पहले ही कहे थे, कुछ भी तय करने से पहले एक बार दादी से जरूर पूछ लेना। पहले तो हमारी टांग टूटी और अब तो हमारे सारे अरमान भी लड़खड़ाने लगे हैं। दादी माना आप भी हमारे लिए लड़की देख रही थी, पर आपको भी तो ट्विंकल पसंद आई थी, आपने खुद ही कहा था हमसे। अरे अम्मा ऐसा नहीं कहती तो और क्या करती, ट्विंकल के मुंह पे कह देती कि अम्मा को ट्विंकल पसंद नहीं है। हा? सबके सामने गरियाती का उसे। तुम तो हमारी आदत जानते हो सोम, हम तो घर आए हुए दुश्मन का भी सम्मान करते हैं। वो दादी आप ही तो कुछ बोलो। बेटा हमने जो कहना था सो कह दिया, अब फैसला तुम्हारे हाथ में। वाह नानी, सीधी बात नो बकवास, सोम बहुत मखमली अंदाज में जीता है, अब लगेगा इस मखमल पे दांत जैसी गौरा का पैबंद। अम्मा सही पकड़ी है इस बार, अब होगा तो वही जो हम चाहते हैं। सोम बेटा इतना जरूर याद रखना कि एक तरफ तुम्हारी दादी है और दूसरी तरफ कल की आई हुई लड़की। सोम को घेर लिया है सबने, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। सोम बेटा कुछ भी फैसला करो ठीक है, लेकिन ध्यान रखो हाँ, जब कभी कोई फैसला समझ में नहीं आता है ना तो आंख बंद करके हाँ ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है ना। हाँ बेटा, फिर बाद में तो महादेव की इच्छा। दादी हमारा मन कह रहा है इस घर के लिए ट्विंकली आदर्श बहू साबित होगी। प्लीज दादी आप भी ट्विंकल को स्वीकार लीजिए और हमारे और ट्विंकल के रिश्ते को हरी झंडी दिखा दीजिए। बेटा हरी झंडी तो हम दिखाई देंगे, पर हम लड़की को का कहेंगे जिसे हम लाल साड़ी देंगे, उनके हाथ तुम्हारे संग पीला करवाने का वचन अपनी सफेद जुबान से देके आए हैं। वाह, रंगों की ऐसी मैचिंग तो गंगा देवी साड़ी सेंटर में भी नहीं होती जैसे अम्मा ने यहाँ दिखा दी।
जियो अम्मा जियो। दादी मम्मी को ना सही एक बार हमारे कान में तो बात डाल सकती थी। कहाँ डाल सकती थी, तुम ही बोले थे ना कि दादी तुम्हारी पसंद ही हमारी पसंद है, तो हमने सोचा अब जब सब कुछ तय हो जाएगा हम तुम्हें बता देंगे। जब सब कुछ तय करके हम जैसे ही घर आए तो तुम्हारी मम्मी जे ट्विंकल को बुलाकर मुर्गी की ये एक टांग लगाए बैठी थी। अब अम्मा एक ही टांग बची है इनके पास, तो वही लगाएंगी ना। जी एक टांग है पर दो हाथ है, इसे भी लगा सकते हैं। एक हाथ को दूसरे में मिलाकर हम विनती करके पूछ रहे सासू माँ कि कौन है ये लड़की, कहाँ से लाई है, क्या नाम है इसका? उसका नाम है बड़े पीपल की चुड़ैल। का भाभी जब काम तमाम हो ही चुका है तो नाम जान के का करोगी? अब आप और सोम ने ट्विंकल को पसंद कर लिया है, तुमरी बला से वो लड़की जहर खा के मर भी जाए का फर्क पड़ता है? बुआ जो बात आप उस लड़की के लिए कह रही हैं, हमारे रिश्ता तोड़ने पर ट्विंकल ने कुछ ऐसा कर लिया तो? ट्विंकल का दिल नहीं तोड़ सकते, हमने उसे वचन दिया है कि अगर हम शादी करेंगे तो उससे। वाह सोम बेटा, तुमरा वचन वचन, अम्मा का वचन बोल वचन। अच्छा इनाम दिए हो अम्मा के लाड़ प्यार का, अरे कुछ तो बहुत हो गया। बस एक कंचन, तुम राहुल के साथ जाके वो लड़की वालों को रिश्ते को मना कर दो। कहने तो सबको हो गई गंगा मैली, मलट गई अपनी बातों से, होने तो हमारी बेइज्जती। हमको अब और फिजूल का तमाशा नहीं चाहिए। ठीक है अम्मा, तुम तो हमारी आदत जानती हो, हम उस लड़की को ट्रेन का टाइम टेबल दे आएंगे। का पता जहर खाने के बजाय वो ट्रेन के नीचे आकर मरना चाहे तो? जी, हम सब आपकी आदत जानते हैं ना, तो इसलिए हमारे पास एक उपाय है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी और सासू माँ का वचन भी खाली नहीं जाएगा और वो लड़की आपकी पसंद वाली वो हमारे घर में बहू बन जाएगी। हम वो लड़की से राहुल का ब्याह करा देंगे। बहुरिया बहुत बढ़िया आइडिया दी हो तुम, कितनी इज्जत करती हो तुम दादी की। राहुल तुम्हारी शादी हम अपने से पहले करेंगे और खूब धूमधाम से करेंगे। अरे लेकिन जी हम जानते हैं कि जो भी लड़की आप और सासू माँ ने पसंद की होगी वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की होगी, क्योंकि आप दोनों तो हमसे ज्यादा सोम को प्यार करते हैं। और अगर वो लड़की राहुल की दुल्हन बने तो हमको तो आप दोनों से ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि हम तो राहुल को सोम से ज्यादा प्यार करते हैं ना। अरे नहीं नहीं मामी, हम वो लड़की को कभी उस नजर से देखे नहीं है। अब भाभी माने उनको, ऐसे कैसे ब्याह कर ले। अच्छा अब, अच्छा हमें बहुत देर हो रहा है, दुकान पे काम है, हम जाते हैं। राहुल रुको, हम साथ चलेंगे। बुआ दादी माफ कीजिए पर हम एक दिल जोड़ने के लिए दूसरा दिल तोड़ नहीं सकते, हम ट्विंकल से रिश्ता नहीं तोड़ पाएंगे और इसके बदले आप दोनों हमें जो सजा देंगे हमें खुशी खुशी स्वीकार है।
चलो राहुल। अरे बेटा सोम राहुल ये सब ना आप दोनों के लाड प्यार की वजह से हुआ है। देखो ना करेगा वो अपनी मन की। अच्छा हम चलते हैं। जी जी आपको किसी चीज की जरूरत हो ना तो खुद ले लेना क्योंकि हमारी तो एक टांग टूटी। हमें तो ऐसा लगता है कि ये कंचन और उसकी माँ गंगा देवी चाहते ही नहीं कि ट्विंकल और सोम की शादी हो। अरे ऐसे पंगे राजनीति में हम रोज देखते हैं रोज। हमको तो लगता है कि दोनों माँ बेटी नाटक कर रही थी। पर मम्मी सोम जी की दादी और बुआ जी तो हमेशा हमारी तारीफ ही करती हैं। अरे बेटा हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हमको अच्छे से याद है सोम की दादी और बुआ ने जब पहली बार तुमको देखा तो उन शक्ल पे 12 बज गए थे। और हम तो कभी समझ गए थे कि पक्ष और विपक्ष एक ही छत के नीचे रहते हैं। एक तरफ रेखा जी और दूसरी तरफ कंचन और उनकी माँ गंगा देवी की पार्टी है और सोम आम जनता की तरह अपनी दादी की पार्टी को पूर्ण समर्थन देता है। इसलिए रेखा जी गंगा देवी की सरकार को गिराना चाहते हैं और तुम्हें अपने पक्ष में अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं ताकि आम जनता को लुभा सके। समझी? कभी कभी ना तुम्हारी बात सुनके हमारी अंदर की गाली कहती है कि मैडम जबान पर आए क्या। अरे यहाँ बेटियां घर बसाने की बात चल रही है और आपको सरकार बनाने की पड़ी है। कभी तो नेता बनना छोड़कर इंसान बनिए। अरे नेता है तभी इंसान है। समझी? एक मिनट। हेलो। फोन पे बनाइए सरकार। अरे भैया अब तो राज्यसभा में ले लो हमें भी। बेटा हमको तो लगता है कि सोम से अच्छा रिश्ता तुमको नहीं मिलेगा। हमको तो उम्मीद नहीं है इस बात की, इसीलिए हमको चिंता है कि रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। मम्मी हम भी पूर्व विधायक की बेटी है, जैसे पापा ने आई हुई रिश्वत हाथ से कभी जाने नहीं दी तो हम भी हाथ आया हुआ इतना अच्छा रिश्ता कैसे जाने दे सकते हैं। तो बेटा तुमको अच्छे से याद होगा तुम्हारे पापा जब जब रिश्वत लेते पकड़े गए हैं ना तो उनका जमानत जेल से हम ही कराए हैं, याद है कि नहीं। मम्मी जैसे पापा को जेल से छुड़वाने का अनुभव है आपको, वैसे हमें लड़कों को घर से भगाने का। ज्यादा ड्रामा किया ना ये गंगा और कंचन ने तो हम सोम को भगा के ले जाएंगे। जब्बा हमको गर्व है तुम पर। ज्यादा जरूरी ये है ये पूछो कि हम यहाँ क्यों आए। क्यों आए मम्मी जी? हम ये बताने आए हैं कि सोम की बुआ और सोम की दादी ये नहीं चाहते कि तुम्हारा ब्याह सोम के साथ हो। ये क्या कह रही है मम्मी जी? क्यों रात को तुमको सुनता नहीं है? सुनता है मम्मी जी, हम तो बस रिएक्शन दे रहे थे। मम्मी जी सोम जी का भी मैसेज आया था कि वो बहुत दुखी है, कह रहे थे कि हमसे कल मिलना चाहते हैं। दुखी तो हम भी है बेटा, हम दिल से चाहते हैं कि तुम दोनों का ब्याह हो और अगर ऐसा ना हुआ ना तो हम मर जाएंगे। मम्मी जी ऐसा मत कहिए। तो बेटा जी ऐसा मौका आने भी मत देना। सोम को अपने प्यार में ऐसा ढाल दो कि चाहे कोई कुछ भी बोले तुमसे ब्याह करने के लिए वो जिद पकड़ के रहे। मम्मी जी आपको सच में ऐसा लगता है कि दादी जी चाहती है कि हमारा और सोम जी का ब्याह ना हो? वो क्या है ना सोम बहुत भावुक है, अगर उसकी दादी ने उसे एक बार भी अपने मुंह से कहलवा दिया कि वो शादी नहीं करेगा तो फिर वो नहीं करेगा, क्योंकि मुंह से निकली बात कमान से निकला तीर और मोहब्बत में कराए हुए रिचार्ज के पैसे कभी वापस नहीं आते, कभी वापस नहीं आते। हाँ वो तो हमने भी कभी वापस नहीं किए। क्या हमारा मतलब है कि मम्मी जी हमने कभी सोम जी से रिचार्ज कराया ही नहीं है, हमारा फोन तो पोस्टपेड है ना। पर मम्मी जी हम आपसे वादा करते हैं कि हम सोम जी को अपने आप से दूर नहीं होने देंगे। जब बात कहते हैं हम तुम्हारा साथ देंगे तुम हमारा साथ देना ताकि सोम का ब्याह तुमसे होकर ही रहेगा। जी मम्मी जी पक्की बात। रेखा रेखा रेखा
रेखा रेखा रेखा रेखा।